Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 6, Women's Education. Come to the chapter. There it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life. इट मीन्स जो एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती है इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कराते हैं वो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए सिर्फ उससे पढ़ाई पूरी ना हो, ये नहीं है सिर्फ आपको डिग्री मिल गई, यानी ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ का पर्पज़ जो है वो एम पूरा हो जाए, डेफिनेट पर्पज़ हो, आपको आपका अर्निंग भी आगे चल के उससे कर पाओ. What that purpose is you have to define for yourself. कैसा purpose वो आप अपने आप ये define करोगे, यानी क्या बनना चाहते हो. It is said that Vidya gives you विवेक. इस ये कहा जाता है कि विद्या से यानी education से विवेक यानी बुद्धि मिलती है. Vimarsh Rupini, Vidya gives you a sense of what is right and help you to avoid what is wrong. विद्या से विमर्श यानी रीजनिंग पावर भी डेवलप होती है विद्या रूपिणी. उससे क्या मिलता है आपको? रीजनिंग पावर, ये डिसाइड करने की आपके अंदर कैपेसिटी आ जाती है एजुकेशन से कि क्या सही है और क्या गलत है. यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन. यू मस्ट ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए इसलिए कि फाइंड आउट, ये देखने के लिए कि क्या रिक्वायर ऑफ यू, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ज़रूरतें इन दिस इस जनरेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है जिन्हें आपको पूरा करना है. नेक्स्ट, ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी अगो मैनी नॉट होल्ड गुड टूडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आर कंट्री एंड द वर्ल्ड. यानी लेकिन कुछ जो कंडीशन थी, कुछ जो एजुकेशन थी, वो जो नई जनरेशन के अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड में सही नहीं है, यानी वो कंट्री में, वो लगता है कि यानी टाइम के अकॉर्डिंग भी एजुकेशन को चेंज कर देना चाहिए. जैसी नीड है टाइम के अकॉर्डिंग वैसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट, जो आपका एम है अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. यानी आपका पर्पज जो होना चाहिए, जो प्रेजेंट की जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका पर्पज हो और उसको फुलफिल करने में एजुकेशन आपको सही प्रोवाइड हो. एवरी टाइम वी स्टार्ट, हर समय जब हम स्टार्ट करते हैं वी यूज आर हिम्स एंड एंड विद सेइंग शांति शांति शांति. जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं तो हमेशा कहते हैं शांति शांति शांति. द टीचर एंड द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर. वो हमेशा टीचर्स और पीपल्स भी, स्टूडेंट्स भी, हमेशा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो एक दूसरे को हेट करने से अवॉइड करें. नेक्स्ट, कंपैशन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन. कंपैशन मीन्स दया है, मर्सी जो एक रहम दिली जो होती है वो मैन की कंपेयर में, देन ऑफ मैन यानी एक इन जो है मैन की कंपेयर में वुमेन के अंदर ज़्यादा होता है. मर्सी दयाफुल, रहम दिल होती हैं, यानी औरतें जो है ज़्यादा रहम दिल होती हैं. आई रीड रिसेंटली अ बुक, यानी राइटर कहते हैं यहाँ कि उन्होंने एक करेंटली में करेंट उसमें एक बुक पढ़ी थी जिसमें विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जिसमें कि वुमेनहुड का जो है डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है यानी उनकी जो है डिक्रीज हो रहा है. एंड सेज, और क्या कहते हैं, दैट दिस इज सो बिकॉज, ये क्यों हुआ है ऐसा, देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन, वुमेन में जो है मर्सी कम हुई है, दया क्यों हुई है, वुमेन्स का पतन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर दया की जो फीलिंग है, जो रहमदिली है वो कम होती जा रही है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन. जो नेचुरल क्वालिटी है जो गॉड ने गिफ्ट किया है वुमेन्स को वो है रहम दिल या फिर दया. इफ यू डोंट हैव कंपैशन, यदि आपके अंदर कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, मर्सी नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, आप एक इंसान नहीं हो. इट इज़ देयर फॉर, ये इसलिए एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बींग, ये हर इंसान में होना जरूरी है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ
कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। इसलिए हर इंसान में ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, फर्म कॉन्फिडेंस, दया और कंपैशन भी, मर्सीफुल। विदाउट दीज क्वालिटी, इन क्वालिटीज़ के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन, हम सिर्फ इंसान तो हो सकते हैं, एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन डैट। यानी हम एक किसकी तरह कंपेयर कर सकते हैं, इंसान से नहीं, एक नर पशु यानी एनिमल से कंपेयर हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज अ फेमस वर्ड्स विच टेल अस, समग्र विश्व उत्कर्ष इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड। समग्र, देयर आर टू फ्रूट ऑफ इनहैबिटेबल क्वालिटी। समग्र यानी सारा, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। समग्र मीन्स है सब कुछ जिसके अंदर है। देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। दीज टू आर द थिंग्स विच वुड मैंस माइंड एंड हर्ट। यानी दो क्वालिटी होती हैं इंसान की, माइंड और हर्ट, दोनों में कम्युनिकेशन जो बिठा के रखेगा, बैलेंस करके जो रखे, दोनों के अंदर जो बैलेंस रखे, वही सही से लाइफ में सक्सेस हो पाता है। इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद। एक ये उपनिषद में स्मॉल डायलॉग में बोला गया है, दैट अ क्वेश्चन इज पुट, वेयर इज पुट, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। यानी क्या एक अच्छी जिंदगी का क्या एसेंस है, निचोड़ क्या है, कंक्लूजन। द टीचर रिप्लाइज, टीचर क्या आंसर देता है, डिड यू हियर द आंसर, क्या आपने आंसर सुना। देयर वॉज अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप हुई, क्या हुई, यानी जो आवाज़ होती है वो किसकी हुई, तीन बार दा। इमिडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, यानी निश्चित ही रूप से टीचर ने एक्सप्लेन किया, ये तीन बार जो दा है उसे क्या एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया उसे, दीज वर द एसेंस ऑफ, यही हैं जिंदगी के तीन एसेंस, यानी निचोड़ है ये लाइफ का, दा मीन्स तीनों का मीनिंग अलग है, दा मीन्स दम, दान और दया, दम मीन्स स्ट्रांग फीलिंग से है, दान है डोनेट करना, और दया मीन्स कंपैशन, तीनों ही दादा का मतलब अलग है। यानी ये तीनों क्वालिटीज जिसके अंदर हैं वो है एक सक्सेसफुल मैन और गुड मैन। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ द कंस्टिट्यूट विच इज़ द मार्क ऑफ अ ह्यूमन। यानी ये इंसान होने का एक मार्क है, ह्यूमन बीइंग। इन द रामायण When Lakshman set out of the forest, his mother tells him, जब लक्ष्मण जंगल में जा रहे थे तो उनकी मदर ने उन्हें क्या बताया था, Look upon Ram as your father, अपने भाई की तरफ हमेशा कैसे देखना, जैसे कि ये आपके क्या हैं, as your father, अपने फादर दशरथ की तरह, Look upon सीता, सीता को देखना, myself, मेरी तरह, यानी एक मदर की तरह, as your mother, लुक अपॉन द फॉरेस्ट, जंगल को कैसे देखोगे आप, कैसे देखना है आपको, एस अयोध्या, कि वो अयोध्या है जहाँ आपका बर्थ प्लेस है, गो माई डियर, मेरे डियर, यानी लक्ष्मण से कहती हैं मदर कि अब तुम जा सकते हो। ये तीन चीज़ें बताती हैं, यानी अपने भाई को फादर से कंपेयर करना, और अपनी जो सिस्टर इन लॉ है सीता जो है उन्हें मेरे से, माँ से कंपेयर करोगे, और फॉरेस्ट को किससे करोगे, अयोध्या से, जंगल को किससे, अयोध्या से। ओके, सो I will explain next page in next video.